नमस्कार। सो MBBS 2023, BDS 2023, इंडिया अब्रॉड एडमिशन्स की हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली मणिपुर का एग्ज़ाम हो जाएगा अगले 2-3 दिन में, जो मणिपुर के बच्चों के लिए बचा हुआ था, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा मिड जून तक। और जैसा कि देखिए, शायद मैं हर बार वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार सुनते हैं इस सीज़न के, तो जब मैं बार बार अपना नंबर देता हूँ, मैं बहुत क्लियरली इस वीडियो में भी शुरू में बोल देता हूँ कि देखिए, मेरा टाइम ही मेरा काम है, मेरा प्रोडक्ट है। तो हम एक काउंसलिंग फ़ीस हमारी 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे कितने मार्क्स हैं और आपको क्या चाहिए और कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है। और केस को समझने के लिए, बात करने के लिए हमने 2500 रुपीज़ रखा हुआ है फर्स्ट डिस्कशन का फ़ीस फॉर ऑनलाइन, और 5,000 रुपये अगर कोई ऑफिस आना चाहता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई भी ऑफिस आता है वो 1 घंटा से पहले उठता नहीं है, और वही काम फ़ोन पे 20-25 मिनट में भी हो जाता है। तो वो हमने चार्जेस रखे हुए हैं, तो जो भी हमें कॉल करता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब उसके जब आप कॉल करते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि वो फ्री डिस्कशन है। और मैं फिर से कहता हूँ कि खासकर प्राइवेट वालों के लिए जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ 80 लाख की फ़ीस देने को तैयार हैं, और मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि जब उनको 2.5-5 हज़ार रुपये देने में सोचना पड़ता है, और मैं सोचता हूँ कि इन पर टाइम लगाने का क्या फ़ायदा, कि जो आज 2.5 या 5 हज़ार रुपये नहीं दे पा रहे, वो कल को अपने बच्चे पर 80-90 लाख रुपये क्या खर्च करेंगे। और शायद यही लोग हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जिनकी वजह से सफ़र करते हैं बच्चे, पेरेंट्स, सब कुछ, कि ये शुरू के 5-10-50 हज़ार बचाने के लिए आप फ्रॉड एजेंटों के हाथ में आके उल्टे सीधे कॉलेजों में चले आते हो, और शायद उनको भी लाखों रुपए देते हो, पर जो ईमानदारी से पैसे मांग रहा है वो शायद आप देना उनको आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि वो कह कर ले रहा है। एनीवे, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि बहुत वही, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ क्वेरी जो जनरली रहती है, जो कमेंट सेक्शन में आती है वीडियोज़ में, वो मैं बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि हमें ही बार बार हर कमेंट का जवाब ना देना पड़े। तो इस साल ना पिछले महीने से बहुत आ रहा है NMC, ये 40 कॉलेज की मान्यता रद्द की, 10 की मान्यता रद्द करी, और इस बार बहुत सारे सरकारी का नाम आ रहा है अगर आप नोट करोगे। और एक तो बहुत टॉप कॉलेज का है स्टेनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जो आप मान के चलो दिल्ली का मौलाना आज़ाद के मुकाबले का कॉलेज है। तो लोग घबरा हैरान है, परेशान है कि सर ये हो कैसे रहे। देखिए, NMC की जो गाइडलाइंस हैं, टू बी आइडियल कॉलेज एंड आइडियल हॉस्पिटल, और मैं ये नहीं बोलूँगा मैं उससे एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे ना, वो ये चाहते हैं कि जो भी कॉलेज चल रहा है, और इंडिया में रूल है कॉलेज अस्पताल के साथ चलेगा, तो दोनों में मिला के इतनी फैकल्टी होनी चाहिए, परमानेंट फैकल्टी, इतनी विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए, इतना आपका OPD होना चाहिए, इतना आपका इन पेशेंट्स होने चाहिए, इतने आपके प्रोफेसर होने चाहिए, उसकी गाइडलाइन है। तो अक्सर जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस अक्सर OPD में मार खाते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन होता है, जो हम बहुत कॉमनली जानते हैं, सरकारी कॉलेज पता है कहाँ मार खा रहे हैं, जिनका ये नाम आ रहा है, सरकारी कॉलेज मार खा रहे हैं अटेंडेंस ऑफ फैकल्टी में। और ये बहुत रास की बातें हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है। देखिए, कोई शक की बात नहीं है, जिसको सरकारी कॉलेज मिलेगा अक्सर वो जाएगा, क्योंकि MBBS एकमात्र कोर्स ऐसा है जहाँ फीस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी सरकारी सीट आ जाती है तो आपको लगता है कि कहाँ 50,000 रुपये साल में पढ़ना और कहाँ 15 लाख रुपये साल में पढ़ना, तो मोस्टली लोग सरकारी कॉलेज में ही जाते हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज की क्वालिटी कैसे भी हो। हम बात कर रहे हैं UP के खुले हुए नए कॉलेजेस की, या हर स्टेट में बहुत सारे, मतलब अगर मैं रफली बोलूँ तो हिंदुस्तान में भी 30% सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो जाने की वैसे लायक नहीं है, अगर आपको सच्ची एजुकेशन चाहिए। बट पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा होशियार है, सरकारी देखिए तभी मिलेगा जब 600 से ऊपर नंबर है जनरल कैटेगरी वाले के, और बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अब सरकारी कॉलेज में एक समस्या है, खासकर जो ये ऑड लोकेशंस पे होते हैं जहाँ प्राइवेट को फ़ायदा होता है। देखिए, सरकारी कॉलेजेस और सरकारी अस्पताल में एक सैलरी है, वो डिफाइंड है टीचर की, प्रोफेसर की, फैकल्टी की, या जो वहाँ पर कंसल्टेंट है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो 2 लाख 2.5 लाख रुपये महीना मैक्सिमम है, जबकि वही डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करे, जो खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप कई गुना पैसे कमा सकते हो, राइट? तो सरकारी कॉलेजों में भी दिक्कत होती है कि कभी कभार आपको, देखिए नॉन क्लिनिकल तो फिर भी मिल जाते हैं प्रोफेसर आसानी से, बट क्लिनिकल प्रोफेसर्स, फैकल्टीज़, PG डॉक्टर्स आपको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज दे विल लाइक टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस, राइट? तो फिर जो सरकारी कॉलेज के डीन होते हैं ना, वो बहुत जुगाड़ करते हैं, बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं, कि शायद वो अलाउ करते हैं इन प्रोफेसर्स को, फैकल्टीज़ को, कि आप आधा टाइम कॉलेज आइए या मत आइए और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लीजिए। जी हाँ, लेकिन अब हुआ क्या कि काम चल रहा है, लेकिन अब NMC कह रही है बायोमेट्रिक लगाओ,
ताकि हम देख चेक कर सकें कि ये सारे प्रोफेसर रोज़ कॉलेज आ रहे हैं। और सच्चाई की बात यह है कि अगर आप बुलाओगे उनको तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि तो 2-2.5 लाख के लिए कोई भी अपने दिन के 10 घंटे नहीं देना चाहता एक सरकारी नौकरी में, जब आपके पास ऑप्शन है 5 से 8 लाख रुपये महीना कमाने की आराम से, सुबह शाम 2-2 घंटे क्लिनिक में बैठ के और दिन में 2 सर्जरी करके, तो क्यों आप 8 घंटे 10 घंटे खटोगे 2 से 2.5 लाख कमाने के लिए। तो सरकारी कॉलेज और प्रोफेसर्स की और डीन्स की भी ये दिक्कत है कि अनलेस अनटिल वो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दें अपने स्टाफ को तो उनको कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि नो बायोमेट्रिक, नो अटेंडेंस, और सच्चाई की बात यह ये लोग बहुत छुट्टियाँ मारते हैं। सो NMC जब इनके यहाँ जा रही है, तो अगर आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी तो NMC ये नहीं कह रही है कि OPD नहीं है, ये NMC ये नहीं कह रही है, समझ रहे हो, कि ऑन पेपर तो स्टाफ पूरा है। NMC ने यही कहा ना कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा, बायोमेट्रिक मशीन्स ख़राब हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो क्यों ख़राब है। और बायोमेट्रिक मशीन ठीक करा ली जाएंगी, कुछ समय के लिए मैनेज कर लिया जाएगा। तो सरकारी कॉलेज की आप चिंता मत कीजिए, वहाँ कुछ आपके साथ दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। एक चीज़ और समझिए इसी वीडियो में कि जब कोई बैच डीरिकॉग्नाइज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमने 2 साल पहले सुना था कि राजस्थान के उदयपुर के 4 कॉलेजों में 2021 बैच को वो किया गया था अनरिकॉग्नाइज, और 2022 में कर दिया गया। देखिए मेडिकल कॉलेज में जो NMC के रूल है, ये फ़ायदा है कि वो ना बैच बाय बैच चलते हैं। डेट मीन्स अगर कोई बैच 2023 में डीरिकॉग्नाइज किया गया 1 साल के लिए और उससे कहा गया कि आप एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत गलतियाँ मिली हैं आपके सिस्टम में, और जब तक वो सुधारते हैं रिपोर्ट जाती है, लेट्स से एडमिशन का सीज़न ख़त्म हो गया, तो पुराने बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो बच्चों की डिग्री वैलिड है, वो मान्यता है। पर दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है वही फेमस जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में हुई थी, कि जब उनके 2 बैच रोक दिए गए तो कॉलेज प्रशासन के पास पैसे ही नहीं थे पुराने बैच को पढ़ाने के। मैं आपको एक बात और बताऊँ, वही अब कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी OPD जेन्युइन नहीं, देखिए सरकारी फ़र्क समझिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल, ये दोनों तो सरकार के फंड्स पे सरकार के पैसों पे चल रहे हैं, राइट। तो इनके पास ना पैसे की कमी नहीं है और पेशेंट की कमी नहीं है, बात समझिए आप। इनके पास क्योंकि ये तो नुकसान में भी चले, ये तो वैसे बच्चों से ना के बराबर फीस लेते हैं, पेशेंट से भी ना के बराबर चार्जेस लेते हैं। सरकारी कॉलेजों में दिक्कत मैंने आपको बताई थी सिर्फ ये हो रही है कि जो उनके एक्चुअली फुल टाइम स्टाफ है, क्योंकि दे कैन नॉट पे मोर सैलरी, क्योंकि सरकारी सैलरी तो सरकारी तरफ से फिक्स है ना, सो दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग सम टाइम टू गेट द फैकल्टी, और उसी का जुगाड़ में वो बायोमेट्रिक मशीन्स ख़राब कर देते हैं। लेकिन वहाँ OPD का इशू है ना, फंड्स का इशू है ना, ओवरऑल फंड्स का इशू है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों में दूसरा हिसाब है भाई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो सेल्फ सस्टेनिंग धंधे हैं, और सबको लगता है कि ये बहुत पैसे वाला धंधा, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैंने एक बार हिसाब लगाया था, मेरे पास एक्चुअली किसी के जान पहचान से आए थे कि विवेक सर आपकी तो बहुत जान पहचान है, यू आर ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, की एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिका हुआ है अगर आपके पास कोई कस्टमर है, जी हाँ। तो अब ये मैं सोचिएगा कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत पैसे कमाता है, सच्चाई की बात यह है। देखिए लेट्स से 100 का बैच है आप, तो एट अ टाइम 5 साल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने 10 लाख फीस ली ना, तो 500 × 10 लाख 50 करोड़ होता है। आप फीस को 15 लाख कर लेते 75 करोड़ हो गया। 100 करोड़ अगर साल में कलेक्शन कर रहा है कॉलेज, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कमाए, क्योंकि जो उनके पास फैकल्टीज़ हैं द एवरेज सैलरी वुड बी 50 लाख, और ऐसे ऐसे अगर 100 लोग हैं तो 50 करोड़ की तो सैलरी भी चली गई ना, और 100 करोड़ का रेवेन्यू था, बाकी दुनिया भर के खर्चे, कॉलेज चलाना, अस्पताल चलाना, एडमिन स्टाफ, बाकी सब जो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कमाई है, बहुत कमाई तब है जब आपका जो अस्पताल है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, सस्टेनिंग है, जो NMC भी कहता है, जो NMC का नया रूल भी आया ना कि धीरे धीरे ये होना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज के रेवेन्यू से नहीं चलना चाहिए, जो इंडिया में होता है काफ़ी जगहों पर। तो वहाँ जहाँ भी, जहाँ कस्तूरबा या जामिया हमदर्द या इस तरह के जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब उनके इतने पेशेंट हैं और पेशेंट पैसा देके इलाज कराता है। बट इंडिया में वंस अगेन अगर 300 के ऊपर प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं, तो कम से कम 150 कॉलेज ऐसे हैं, जी हाँ, आधे टोटल इंडिया में समय एज पर NMC वेबसाइट हमारे 700 कॉलेज हो चुके हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के, और पिछले कुछ दिनों सालों में सरकारी कॉलेज काफ़ी खुले हैं। तो सरकारी की संख्या अब 350-360 से पार हो रही है और प्राइवेट वही 300-320 पे चल रहा है। आधे से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिनके जो अस्पताल हैं वो लॉस मेकिंग है, और लॉस मेकिंग तो है ही है क्योंकि उनको तो पेशेंट्स के लिए भी बसें भेजनी पड़ती हैं, तो पैसा थोड़ा चार्ज कर सकते हैं उनसे। और कुछ ये है कि चलो बसें नहीं भेज रहे, बच्चे खुद आ जाते हैं, जैसे अल्फला था जिसमें एटलीस्ट पेशेंट खुद आते हैं लेकिन वो कुछ चार्ज नहीं करते हैं। दैट मीन सारा अस्पताल तो कॉलेज की फ़ीस से चल रहा है, और तो कॉलेज की फ़ीस से आपको कॉलेज भी चलाना है, अस्पताल भी चलाना है। सेम फैकल्टी चलो दोनों जगह काम करता है, वो OPD भी लेता है,
अस्पताल में भी जॉब करते हैं और साथ में वो बच्चों को लेक्चर भी देते हैं क्लासेस में, जो कि जब वो गाय नहीं है उस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि सर प्राइवेट कॉलेज फंसता है फंड्स की वजह से, सरकारी कॉलेज कभी फंड्स की वजह से नहीं फंसता। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर चलता प्राइवेट कॉलेज रुक जाए 2 साल के लिए, तो लाला जी के पास पैसे नहीं होते हैं वो सब स्टाफ रखने के लिए, उस क्वालिटी का स्टाफ मेंटेन करने के लिए जो एक्चुअली बच्चों को पढ़ा सके, राइट। तो फिर वो वही चलता है, क्लासेस होती नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। तो वर्ल्ड मेडिकल झज्जर की प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो लोग पुरानी चीज़ें जानते हैं कि अब कॉलेज वो चलता रहा, वो बैच पास भी हुआ, पर वो बैच यही तो बैठ के रोता था ना कि भाई अगला सारा रुक गया है, NMC ने बोला पुराना पढ़ा दो, लाला जी जो ओनर जो होते हैं वो पढ़वा ही नहीं रहे, देर इज़ नो प्रोफेसर, देर इज़ नो टीचर, देर इज़ नो पेशेंट। तो जो उनके बच्चों जो थर्ड फोर्थ ईयर में उस समय आ गए थे, वो बिल्कुल ऐसे ही था कि बस किताबें पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, दैट वॉज़ द कंसर्न। तो आप ये मत सोचिए कि भाई कोई कॉलेज डी रिकोगनाइज हो गया एक या दो बैच के लिए तो आपकी डिग्री पर असर पड़ेगा जो ऑलरेडी पढ़ रहा है। सो जो 2023 में एडमिशन ले रहा है और एडमिशन के टाइम में तुम्हारा कॉलेज अप्रूव्ड है, तो आपको चिंता नहीं है कि आपकी डिग्री रुक जाएगी कि बीच में कोई कॉलेज डी रिकोगनाइज हो जाएगा, कभी मत घबराइएगा। पॉइंट बस यही होता है कि अगर आप उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं जो कभी भी डी रिकोगनाइज हो सकता है, आपको खुद ही पता चलता है, तो ये समस्या है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कभी भी कॉलेज नहीं बंद होगा, जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं जो कुछ भी फिर भी शरीफ और सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं जो 2-2.5 लाख की सैलरी में भी खुश हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही, और जो फिलहाल नहीं आ रहे और जिनकी वजह से बायोमेट्रिक मशीन टूट रही है वो वैसे भी नहीं आएंगे। सरकारी कॉलेज में एक और इशू है कि जो भाई रिपोर्ट लोकेशन में खोले गए, नए कॉलेज खोले गए हैं, वहाँ पर पेशेंट तो हर जगह ही होता है क्योंकि हर जगह सिविल अस्पताल में खोले जा रहे हैं, बट वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों का थोड़ा अभाव रहता है, डॉक्टरों का भी अभाव रहता है क्योंकि वो सिविल अस्पताल में भी नहीं आते। तो वहाँ दूसरे चैलेंजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज में दूसरे चैलेंजेस हैं, बट मोटा मोटी पॉइंट ये है कि अगर कोई बीच में डी रिकोगनाइज होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कोई भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट होगा। इस तरह से जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग वाली गुड क्वालिटी काउंसलिंग और एंड टू एंड सपोर्ट आपको चाहिए। और जैसा मैंने रिपीट करा, अवर पैकेजेस गोज फ्रॉम 30,000 टू 1.5 लाख। 30,000 उसके लिए होता है जो 650 मार्क्स वाला, 640 मार्क्स वाला कन्फर्म सरकारी स्टूडेंट होता है, और हम उसको गाइड करते हैं कि कैसे आपको करना है। हम वो चॉइस लिस्ट भी देते हैं 1 to 10 तक, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, आप अपने स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए डिपेंडिंग अपन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, दी डिफरेंट रूल्स जो कि वो सर्विस रूल और सर्विस रूल्स होते हैं या बॉन्ड इश्यूज़ होते हैं हर स्टेट के, उन सबको हमने कंपाइल किया हुआ है और उसके हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं सरकारी स्टूडेंट को कि आपको ऑल इंडिया कोटा चॉइस लिस्ट कैसे बननी चाहिए। अक्सर बच्चे मैंने देखे अल्फाबेटिक ऑर्डर भर रहे होते हैं, जो तुम MCC का पोर्टल खुलते हैं ना तो उसमें अल्फाबेटिकल कॉलेज का नाम लिखा होता है, तो लोग 1, 2, 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। सोचिए मतलब कि टॉप कॉलेज नीचे आ रहे हैं और मतलब जो भी कॉलेज ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब सेम ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो वी हैव टू सिलेक्ट द चॉइसिस केयरफुली, वही जो मैंने बोला सरकारी में क्वालिटी देखते हुए, नॉर्थ इंडियंस के लिए फूड भी देखते हुए, क्योंकि केरला और तमिलनाडु के रिमोट लोकेशंस में नॉर्थ इंडियंस या वेस्ट इंडियंस, मतलब बेसिकली जो नॉन तमिलियन या नॉन मलयाली है, उनके लिए उन स्टेट्स के रिमोट लोकेशंस में जाके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। सेम इज़ फॉर इवन कर्नाटका रिमोट लोकेशंस, फिर भी वह दिक्कत कम होती है, बट रिमोट लोकेशंस में अपने आप में जाना एक मुसीबत है। मान के चलिए 5.5 साल का कोर्स होता है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम आपको एक सरकारी काउंसलर की गाइडेंस देते हैं दिल्ली। उसके बाद जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, 1.5 लाख के शायद हम उनसे चार्ज करते हैं। वीडियो में बता दूं, जो 200 मार्क्स के आसपास के बच्चे होते हैं और जिनके लिए हमें 6-7 काउंसलिंग्स में इकट्ठे पार्टिसिपेट करना होता है ताकि उन्हें सीट मिल जाए, ऑप्टिमल सीट मिल जाए, कम बजट में अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो हम उनके साथ 6-7 स्टेट्स के लिए काउंसलिंग करते हैं, ये देखते हुए कि उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़राब ना हो। तो उसमें मेरा बहुत दिमाग और बहुत एनर्जी लगती है। मैं बार बार कहता हूँ MBBS इंडिया का एंड टू एंड काम मैं करता हूँ आपसे, जब एक बार वो पहली आप रकम दे देते हैं तब तक आप मेरे स्टाफ से बात करते हैं, बट उसके बाद से लेकर जब तक आप बच्चा कॉलेज ज्वाइन करता है हर चीज़ आप मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं अपने हाथों से आपका काम करता हूँ ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, और उसी वजह से वो चार्जेस हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया, और आप हमारी पेड प्रीमियम काउंसलिंग लेना चाहते हैं 9643362320 पे कॉल कीजिए, यही नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि मेडिकल कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज क्यों हो जाते हैं और क्या समस्या हो सकती है आपके या फ्यूचर बैचेस के लिए, और क्या समस्या नहीं होती है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।